Hi guys, my name is Taif Farooq. And my name is Sabi Suhail. Welcome back to our channel Insane Rejects. So, आज की वीडियो है Top 10 Popular Indian Bikes 2019. थोड़ी पुरानी पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको स्क्रीन डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं अभी, जल्दी जाके इसको भी फॉलो करें। ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है पर फिर भी मतलब थोड़ा पता चले कि पहले अगर ये वाली वीडियो में मजा आया तो हम आगे भी अपडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने लिया है टॉप 10 इंडियन चैनल से, तो उनको भी जाके सपोर्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 इंडियन बाइक्स, क्या आपको ही रफ्तार का शौक है? ध्यान रहे, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग जरूर करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी में। क्या आप भी अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदना चाहते हैं जो स्टाइलिश के साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी देती हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको इंडिया की टॉप 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बताएंगे जो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में सबसे आगे है। 10. होंडा सीवी शाइन। होंडा सीवी शाइन किसी भी मिडिल क्लास इंडिविजुअल के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। 65 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने वाली ये गाड़ी बेहद किफायती है। ये ना सिर्फ कम मेंटेनेंस डिमांड करती है बल्कि परफॉर्मेंस में भी अच्छी है। 124 सीसी का इंजन इसमें पावर भरता है और जब होंडा कंपनी का नाम इंजन से जुड़ा हुआ हो तो उसके क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर संदेह नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से ये गाड़ी पेट्रोल एफिशिएंट है और इंडिया में बहुत पसंद की गई है। 9. बजाज पल्सर। इंडियन बाइक मार्केट में बजाज पल्सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बजाज पल्सर अब भी कस्टमर्स की पहली पसंद है। अलग अलग वेरिएंट्स में आने वाली ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस भी बदलते हैं। 35 से 50 के बीच इसका एवरेज बदलता है जो कि इंजन की पावर पर डिपेंड करता है। अलॉय व्हील्स, कंफर्टेबल सीटिंग और शानदार पिकअप इसे एक कंप्लीट राइड बनाते हैं। पल्सर लग्जरी भी है और ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल भी, इसलिए ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। बजाज पल्सर की प्राइस वैसे तो अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से बदलती है, लेकिन 75,000 से 1,25,000 के बीच इसके सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। 8. टीवीएस अपाचे। अपर मिडिल क्लास सेगमेंट में पल्सर को कंपटीशन देने वाली गाड़ी अपाचे है। अपाचे अपने स्पोर्टी लुक और स्पीड रेसिंग मॉडल्स के लिए जानी जाती है। इसका पिकअप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है और इसकी प्राइस भी इसकी कंपेटिटर बाइक से थोड़ी ज्यादा है। 74,000 से शुरू होने वाली ये गाड़ी की कुछ मॉडल्स की प्राइस 2,40,000 रुपए तक भी जाती है। हालांकि मॉडल्स को खास तौर पे रेसिंग के हिसाब से बनाया गया है। इंडियन रोड्स पर अपाचे एक स्पोर्ट्स बाइक का लुक देती है और परफॉर्मेंस पर बिल्कुल खड़ी उतरती है। टीवीएस ने इस बाइक में समय के साथ कई सारे बदलाव किए हैं और ये युवाओं के बीच खासी फेमस है। 7. यामाहा FZ। पहले कभी स्पोर्ट्स बाइक के लिए मशहूर यामाहा कंपनी अब मिडिल क्लास सेगमेंट्स के लिए भी बाइक्स बनाती है। पिछले कई सालों से इसने इंडियन मार्केट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यामाहा की FZ उन्हीं में से एक है। शानदार स्पोर्टी फीचर और पावरफुल इंजन इसे रफ्तार देता है। स्पीड के शौकीन लोगों के लिए यामाहा की बाइक्स एक परफेक्ट बाइक है। 150 cc या उससे ज्यादा का इंजन ही इन बाइक्स में इस्तेमाल किया जाता है। यामाहा की सारी बाइक्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बारीकी से टेस्ट किया जाता है और इस बाइक का एवरेज भी इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छा है। आमतौर पर ये 53 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है जो कि इसके हाई पावर इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा है। 6. होंडा हॉर्नेट। मार्च 2018 में लॉन्च की गई हॉर्नेट मार्केट में अभी सबसे नई बाइक एंट्री है। ऑटो एक्सपो में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था जहां इसके पावरफुल इंजन और ड्रिफ्टिंग स्किल्स को बताया गया था। लुक में बेहद स्पोर्टी और माइलेज में 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलने वाली ये बाइक बाइकर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हॉर्नेट का ये अपडेट वर्जन अभी ही लॉन्च हुआ है इसलिए मार्केट पॉपुलैरिटी और सेल्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी होंडा के ब्रांड नेम के साथ इसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद काफी ज्यादा है। 5. होंडा CBR।
होंडा की एक और स्पोर्ट्स बाइक CVR लंबे समय से इंडियन रोड्स पर चल रही है। अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से इसकी स्टेडी और स्टेबल सेल्स देखी जा सकती हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 250 सीसी का डिस्प्लेसमेंट और अलॉय व्हील्स के साथ ये परफॉर्मेंस में बिल्कुल बेहतरीन है। ये होंडा की प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक में से एक है। पहले आने वाले 160 सीसी के मॉडल को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया है और इसलिए अब रोड्स पर 250 सीसी के मॉडल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। इसकी प्राइस 1.6 लाख से शुरू होती है जो ऑन रोड बढ़ जाती है। 4. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड जो कुछ समय के लिए इंडियन मार्केट्स में बाहर सी हो गई थी, उसने इस बाइक से अपनी वापसी की और इस शानदार बाइक के लिए प्री बुकिंग और वेटिंग की लाइन सी लग गई। 350 सीसी का इसका इंजन इसके पावर फोक्स को साफ बताता है। हालांकि ये बाइक एवरेज में थोड़ी पीछे है, लेकिन लुक और शौक के आगे एवरेज की परवाह कौन करता है। कंपनी द्वारा इसका माइलेज 37 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है। इसकी प्राइस 1.33 लाख से शुरू होती है जो इंश्योरेंस और टैक्स के बाद बढ़ जाती है। काफी लंबे समय से इसकी प्री बुकिंग 6 महीने आगे तक की चल रही है। 3. KTM RC 200। इंडिया की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में से एक KTM RC 200 की अपनी एक अलग ही जगह है। ये केवल स्पोर्ट्स और रफ्तार पसंद लोगों के लिए ही बनी है। 200 सीसी का इसका इंजन पावर और पिकअप को सपोर्ट करता है और इसका लुक इंडियन रोड्स पे इसकी पहचान है। कोई भी इस बाइक को बिना देखे निकल नहीं सकता। KTM RC 200 का एवरेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर का है जो इसकी तूफानी स्पीड के हिसाब से ठीक है। इसकी प्राइस 1.7 लाख से शुरू होती है और ब्रांड वैल्यू के आधार पे इसकी रीसेल वैल्यू भी हाई होती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी में इस बाइक का कोई जोड़ नहीं। इसे इंडिया के बाहर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। 2. रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड। रॉयल एनफील्ड की एक और पॉपुलर बाइक जो लंबे समय से शौकीनों की पसंद रही है, थंडरबर्ड अपने लेट बैक सीटिंग और पावर के लिए फेमस है। 350 सीसी का इंजन, ट्यूबलेस टायर्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसे परफॉर्मेंस वाइज सबसे डिजायरेबल बाइक बनाती है। इसकी कंफर्टेबल सीटिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से इस बाइक ने अपने लिए एक अलग ही सेगमेंट बना लिया है। जो भी व्यक्ति बुलेट या थंडरबर्ड खरीदने की सोचता है, वो फिर प्राइस और स्पेसिफिकेशन को कम ही देखता है। इसकी प्राइस 1,73,000 तक होती है। इस मॉडल में और कोई वेरिएंट नहीं है। 1. KTM 390 ड्यूक। इंडिया की सबसे कॉस्टली बाइक्स में से एक KTM 390 इंडियन रोड्स पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी डिमांड्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा होती है, जहां इसके खरीदार भी ज्यादा होते हैं। 372 सीसी का इसका इंजन ये साफ बताता है कि ये एक फास्ट स्पोर्ट्स बाइक है। इसका स्लीक डिजाइन और कंफर्टेबल सीटिंग तेज रफ्तार में भी लग्जरी फील बनाए रखते हैं। इस गाड़ी की EMI 7,000 रुपए से शुरू होती है, इसलिए कई लोग इसे आसान किस्तों पर भी ले लेते हैं। KTM 390 100 की रफ्तार तक केवल 5 सेकंड में पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो क्या आप भी इन बाइक्स में से कोई लेना चाहेंगे? या अगर आपके पास इनमें से कोई बाइक है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी पसंद हमें जरूर बताएं। आखिर कौन सी बाइक आपको क्वालिटी और सेफ्टी में सबसे अच्छी लगती है? और देखना ना भूले हमारा वीडियो टॉप 10 कार्स इन इंडिया। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। बिल्कुल ना भूलें। यार गाइस, वो कह रहे हैं कि कौन सी बाइक आपको पसंद है। भाई तू कोई भी दे दे, कोई भी चलेगा चलेगा। यार मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी बाइक के बारे में कि आपको मतलब एक शेप अट्रैक्ट करती है, दूसरा इंजन अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आप अगर आप शौकीन हो बाइक्स के तो आप प्राइस नहीं देखते, आप उसकी शेप और उसका इंजन, मतलब वो कितना उसकी कितनी अच्छी माइलेज है, कितना उसका अच्छा इंजन है, मतलब वो कितनी स्पीड कितनी जल्दी पिकअप पिक करता है, मतलब उसकी मतलब उसकी मतलब ओवरऑल सर्विस क्या। और सब बाइक्स बहुत ज़बरदस्त हैं यार। हाँ मतलब वो तो मतलब ये हैवी बाइक्स हैं। हम जो पाकिस्तान में बाइक्स हैं वो थोड़ा नॉर्मल टाइप पर है, लेकिन इंडिया में जो बाइक्स हैं वो सारे लेते हैं वो मतलब है ना हैवी बाइक्स हैं, मतलब स्पोर्ट्स की मतलब स्पोर्ट रेसिंग के लिए यूज़ होने वाले बाइक्स हैं। बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, हमें नहीं पता था कि इंडिया में इतने ज़बरदस्त हैवी बाइक्स की शेप्स में आपको मतलब लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं।
यहाँ पे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अलीट क्लास होती है जो मतलब जो रेस लगाती है वो हैवी बाइक्स यूज़ करती है, लेकिन आप जितने भी सारे बाइक्स हैं उनकी जो शेप्स हैं ना वो सारी हैवी बाइक्स की तरह हैं, उनकी मतलब अट्रैक्ट करती हैं आपको बाइक्स, और चलाने वाले को भी मज़ा आता है अगर रोड्स मज़े की हों तो। उसके अलावा सिर्फ ये स्पोर्ट्स बाइक अलीट क्लास के लिए नहीं, उन्होंने दिखाई कुछ ऐसी बाइक्स भी दिखाई हैं जो मिडिल क्लास फैमिली जो है नॉर्मल फैमिलीज वो भी अफोर्ड कर सकती हैं, जैसे वो लोग लेते हैं, इतनी मजी मजी की बाइक्स हैं, मतलब उनका जो शेप मैं बहुत अट्रैक्ट करता हूँ, शेप से उनकी जो बॉडी थी कितनी क्लीन स्लीक और कितनी मतलब मॉडर्न, और अब तो 2019 की वीडियो तो 22 आ गया, कितना नई मतलब कहते हैं मुझे तो बहुत मजे की लगी ये वीडियो। आप बताएं कि आप इनमें से कौन सी वीडियो मतलब बाइक आपको पसंद है, क्योंकि आप तो इंडिया से व्यूवर्स हैं, आपको तो पता होगा इन बाइक्स के बारे में, हमें जरूर बताना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना बाय, अल्लाह हाफिज़।